Hello students, myself Bhagwat Singh Udawat, and today we are going to discuss DCM number 10. Topic is rotational motion. Our first question is, let I be the moment of inertia of the uniform square plate about an axis AB that passes through its center and parallel to two of its sides. आपको given है कि ये एक uniform ऐसा है, square plate है, एक सेंट्रो मास से एक्सिस पास हो रही है ऐसे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई. सीड इज द लाइन इन द लाइन प्लेन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड मेक्स एंगल थीटा विद द एबी. अब एक अपने पास कोई ऐसी एक्सिस है जो कि यहीं से पास हो रही है और ये थीटा है, तो आपको पूछा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा. देखो क्वेश्चन करने का बेसिकल मेथड है कि यदि मैं इस प्लेट को बनाता हूँ तो इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, लेट दैट इज आई जेड, आई जेड रहेगा, वो रहेगा यदि मैं कोई भी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, आई एक्स और आई वाई, दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई. आई एक्स और आई वाई इक्वल है, सो किसी भी एक के अबाउट जो रहेगा वो रहेगा आई जेड डिवाइड बाई टू. ओके, नाउ सपोज यदि मैं एंगल ऐसे एज्यूम करता हूं, मैं दूसरे एज्यूम करता हूं, दो परपेंडिकुलर, एक ये और एक इसके परपेंडिकुलर ये. नाउ डेफिनेटली ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक है. तो यदि इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन एज्यूम करता हूँ और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू करता हूँ, देन इट विल बी इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई वन. ठीक है, सो इसमें भी अपन क्या आएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू करेंगे तो आई वन. तो आई वन का वैल्यू वो कब आया है जो पहले आया था, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कब रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट. Next, a uniform cube of side B and mass M rest on the rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to the one of the face at the point at height 3B by 4. यहाँ पर एक force apply किया है. What should be the coefficient of friction mu between the cube and the table so that it will tip about an edge before it starts slipping? Question में बोला गया है कि ये topple पहले हो जाए rather than कि slip हो. तो इसका मतलब जब टॉपल होगा तो इसका यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल फोर्स जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एंड फ्रिक्शन यहाँ से पास होगा. ठीक है, यहाँ आपके पास लग रहा है ये एफ, ये मैं टॉपल का डायग्राम बनाया हूँ और यहाँ पर लग रहा है एम जी. तो टॉपल कब होगा, वैन एफ, इसके अब टॉर्क की क्वेश्चन लिखता हूँ, थ्री बी बाई फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एल बाई टू. ठीक है, तो यहां से मेरे पास एफ का जो वैल्यू आ गया वो आ गया टू डिवाइड बाई थ्री एम जी. नाउ ये जो फोर्स है, ये दैट फोर्स शुड बी लेस देन फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो दैट इज टू बाई थ्री एम जी है, ये लेस देन होना चाहिए म्यू एन दैट इज एम जी. ठीक है, तो जब इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट वन. नेक्स्ट, नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 केजी लोकेटेड एट द पोजीशन, ये इसका पोजीशन है गिवन है, इसका पोजीशन गिवन है, एज अ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड एक्सिस. आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम का सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा एम आर क्रॉस वी. आर जो आपको लेना है दैट इज आई प्लस जे. ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, ए यूनिफॉर्म फ्लैग पोल ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज पिवोटेड ऑन द ग्राउंड विद द फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस हिंज. द फ्लैग पोल मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लैग पोल अबाउट द वन एंड इज, ये इसके अबाउट आपको दे रखा है एम एल स्क्वायर बाई थ्री. इफ द स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द पोजिशन शोन इन द एकोपनिंग फिगर, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लैग पोल. आपको पूछा है कि इसका जो एक्सेलरेशन वो कितना रहेगा, तो इसके अंदर वो सिंपल सही है. आपको यहाँ से एक एम जी आएगा, ये फिक्स पोल है, तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई कैन राइट आई ए अल्फा. ठीक है, टॉर्क कितना आएगा, एम जी
एल बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री अल्फा, यहां से आपके पास अल्फा आ जाएगा। नाउ इसका एक्सेलरेशन पूछा है, इसका एक्सेलरेशन आएगा अल्फा एल। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग प्योरली ऑन द फ्लैट ओरिजिनल सर्फेस विद द कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। आपको पूछा है इस पॉइंट पर कि वेलोसिटी और उसके बीच में एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या रहेगा। तो देखो वो सिंपल सही है, ये प्योर रोलिंग करता है, तो मैं बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। प्योर रोलिंग करता है, इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी और ओमेगा आर वो वेलोसिटी ऐसे आएगी, तो ओवरऑल इसकी जो वेलोसिटी वो बीच में आ रही है, दैट इज रूट टू वी। और इसका जो एक्सेलरेशन आता है उसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आता है, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, तो एंगल इसके बीच में कितना आएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए होलो स्मूथ यूनिफॉर्म स्पेयर ए ऑफ मास एम रोल विदाउट द स्लाइडिंग ऑन द स्मूथ ओरिजिनल सरफेस, इट कोलाइड हेड ऑन द इलास्टिक विद अनदर रेजिस्टेंस स्मूथ सॉलिड स्पेयर। देखो ये तो है होलो और ये है सॉलिड, ठीक है। देखो क्या गिवन है, रोल विदाउट स्लाइडिंग, मतलब ये प्योर रोलिंग कर रहा है जो ए है वो होलो स्पेयर, सेम मास एंड सेम रेडियस, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का रेडियस इक्वल है। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बी टू दैट ऑफ ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन। देखो इसके अंदर जो कोलिजन हो रहा है इलास्टिकली हो रहा है, अब इलास्टिकली रहेगा तो आपको पता है वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी तो बेसिकली क्या रहेगा, ये जो होलो स्पेयर है ये तो सिर्फ ऐसा रोटेट करता रह जाएगा और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, वी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ गया हाफ आई सी एम टू बटा थ्री एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज वी बाई आर का स्क्वायर। इनका रेशियो करो तो अपने पास आ जाएगा नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी थ्रू द ए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको वैल्यू पता पुट करनी है, इसके अबाउट फाइंड करना है। ये दो ऑब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये है, ऑब्जेक्ट सेकंड ये है, तो यदि मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इसके अबाउट फाइंड करूँ, ये आपको डिस्टेंस एल दे रखी है, तो पहले अपन को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ये इसके अबाउट कितना होता है, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12। अब आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आपको इसके अबाउट लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं सिर्फ एक रॉड का बता रहा हूँ पहले फर्स्ट का, वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है एल बाई 2 का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास आई वन, ठीक है। और इसका तो सेकेंड का तो आपको बताइए एम एल स्क्वायर बाई 3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना पड़ेगा, ये है दैट इज प्लस आई वन, ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज हंग फ्रॉम द टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम द सेलिंग एज शोन, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसका देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका एम जी यहां आएगा, ठीक है, ये टेंशन टी वन, ये टेंशन टी टू, इसको मैं टी बी बोल देता हूँ, इसमें टी ए बोल देता हूँ। देखो आपको टेंशन पूछिए ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है आप टॉर्क अबाउट ए लिख लो, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क अबाउट कितना ए एम जी एल बाई टू माइनस टेंशन बी थ्री एल बाई फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये टी भी आएगा और टी ए चाहिए तो टॉर्क अबाउट बी जीरो कर दो, टॉर्क अबाउट जीरो करेंगे तो कितना आएगा टी ए एल माइनस एम जी एल बाई फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
one-fourth length of the uniform rod of length L and mass M is placed on the horizontal table and the rod is held horizontally. The rod is released from rest. Find the angular acceleration of the rod. As soon as the rod is released, assume that rod does not slip at point O. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आप क्या करो, क्या करो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, देखो यहां पर क्या आएगा, ये एम जी आएगा. तो अपन क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई ए अल्फा. ठीक है, टॉर्क अबाउट ए कितना आएगा, एम जी एल बाई फोर. ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16 अल्फा. ठीक है, सिंपल सही. इसके अबाउट अपन को टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2 केजी एंड लेंथ एल इज केप्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इफ द एंड ऑफ ए एंड बी ऑफ रॉड मूव विद स्पीड वी एंड टू वी परपेंडिकुलर टू द रॉड इन सेम डायरेक्शन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी. देखो इसमें दो तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं. ये आपको वी दे रखा है और ये टू वी दे रखा है. तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का वैसे एक बेसिक मेथड होता है, वो होता है वी रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइड बाई डिस्टेंस. तो ये कितना आ गया, 2v माइनस वी डिवाइड बाई एल. ठीक है, इससे तो आ जाएगा. दूसरा एक और मेथड होता है, आप करना चाहो तो लेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये VCM है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो ये जो अपने पास TV आएगा, ये आएगा VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू और ये आ जाएगा VCM माइनस ओमेगा एल बाई टू. इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो उसे भी आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है. सॉरी, ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अबाउट रिम ऑफ व्हील ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, दैट इज 0.2. रेडियस इज गिवन 20 सेंटीमीटर. द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट द इट्स एक्सिस. इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर 5 सेकंड. आपको बोला गया कि इसको ऐसे पुल करते हैं 20 न्यूटन से, तो क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. टॉर्क कितना है, 20 × r. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है, लोड नहीं लाना इसमें, 0.2. इससे आएगा अल्फा. ठीक है, आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, टाइम गिवन है 5 सेकंड. वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट ए फ्रिक्शनलेस पुली हैज द शेप ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क ऑफ मास. आपको एक सॉलिड डिस्क है, मतलब एक सिलेंडर हो गया, इसका मास गिवन है, मास इज 2.5 एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस है वो है 0.2 मीटर. ए 1.5 केजी स्टोन इज अटैच्ड टू द वेरी लाइट वायर दैट इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ द पुली एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट. हाउ फार मस्ट द स्टोन फॉल सो दैट द पुली हैज द एंगुलर वेलोसिटी 6 रेडियन पर सेकेंड. देखो बहुत सिंपल सही है. ये आपके पास ये मास दे रखा है, ये बोला है कि कितना गिरे, ये हाइट h, कितना गिरे कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाए कितने आ जाए, गिवन है 6. तो करना क्या है, तो मैं लेट एज्यूम कर लेता हूँ कि एम जी एच इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी का वैल्यू कितना रहेगा, स्लिप नहीं हो रहा है इसलिए मैं क्या लिखूंगा इसको, ओमेगा आर. तो ये आ गया एम जी एच. तो मैं सीधा सीधा हाइट लिख लेता हूँ, हाइट आएगा एम
डिवाइड बाय टू, क्यों अब हाइट ही पूछिए, एम कट जाएगा सॉरी, वी स्क्वायर डिवाइड बाय टू जी, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस वन बाई फोर एम बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास हाइट जो आ रही है वो आ रही है वी स्क्वायर, मैं वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करता हूँ, टू जी प्लस एम बाई फोर एम जी वी का स्क्वायर, ये अपन को फाइंड करना है। इसमें शायद करेक्शन आ रहा है तो अब मैं इसको देख लूँगा। वी स्क्वायर देखो, वी कितना है, वी है ओमेगा आर, ओमेगा कितना है सिक्स, आर कितना है पॉइंट टू, तो ये आ गया थ्री अपने पास, तो ये आ रहा है थ्री। तो देखो थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाई 20 प्लस एम, यह 2.54, यह है 1.53 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको अपन देख लेंगे, शायद इसमें बोनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज द टू आइडेंटिकल बीड ऑफ द नेग्लिजिबल साइज ईच ऑफ मास एम विच कैन स्लाइड फ्रीली अलोंग द रोड, इनिशियली टू बीड आर एट द सेंटर ऑफ द रोड एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रोड एंड द पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रोड गिवन है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स वो गिवन ही है, व्हेन द बीड रीच द एंड ऑफ द रोड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम विल बी। देखो इसके अंदर अपन को पता चल गया कि बाहर का कोई फोर्स नहीं है, और डेफिनेटली फोर्स नहीं तो एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। नाउ एल इनिशियल कितना था, सिर्फ ये रॉड ही थी, तो एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, बाद में क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस टू टाइम ऑफ, ये जो बीड है वो दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो पॉइंट मास की जैसे बिहेव करेंगे, तो मैंने टू मास एक का एम, डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू का स्क्वायर ओमेगा, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 14, द डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोलिंग विदाउट रोलिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द ओरिजिन, आपको इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है। देखो रोलिंग कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, तो आपको इसका कोणीय संवेग पूछा है, तो इसका कोणीय संवेग आएगा एम वी सी एम आर प्लस आई सी एम ओमेगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये एम ओमेगा आर आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, तो आ गया थ्री बाई टू। नेक्स्ट ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ द इनिशियल वेलोसिटी वी एट द एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब आपको बोला गया है कि जब वो यहां से प्रोजेक्ट करते हैं और जब ग्राउंड पे हिट करेगा उस समय इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो ग्राउंड में टकराएगा हिट करेगा तो इस साइड की तो वेलोसिटी रहेगी वी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी वी साइन थीटा। ठीक है, नाउ एंगुलर मोमेंटम देखो तो एंगुलर मोमेंटम इसके कारण आएगा नहीं इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये वेलोसिटी यहीं से पास हो रही है, एंगुलर मोमेंटम आएगा इसके कारण, सो दैट इज एम वी साइन थीटा इंटू आर, आर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, आर का फॉर्मूला होता है टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। 16, द गिवन
figure a ball strike the uniform rod of the same mass elastically and the rod is hinged at the point A, then which of the statement is correct? बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. जैसे फर्स्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम. देखो पहली बात तो यहाँ पर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की बात की है, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें क्या होगा. जब ये हीट करेगा तो डेफिनेटली एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स इस पर ऐसे लगेगा. एंड सिंस जैसे इसको हीट करेगा तो ये वाला पॉइंट है वो पीछे जाने की ट्राई करेगा, तो यहां पर भी एक फोर्स लगेगा एन वन. ठीक है, ये जो ए पॉइंट है वहां पर लगेगा. तो अपन यदि सिस्टम पर देखें तो सिस्टम पर टोटल फोर्स नॉन जीरो है, और यदि टोटल फोर्स नॉन जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व हो ही नहीं सकता. और रही बात एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उसी का अबाउट रहेगा जहां पर टॉर्क सिस्टम पर जीरो. तो देखो ये वाले तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप किसी पॉइंट के अबाउट लिखो, लेकिन ये वाला टॉर्क हमेशा रहेगा एन वन के कारण. तो यदि मैं टॉर्क अबाउट ए लिखता हूँ तो टॉर्क अबाउट ए कितना आएगा, जीरो. और यदि टॉर्क अबाउट ए जीरो आएगा तो इसके अबाउट ही जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. सो ऑप्शन इज सेकेंड वन. 17. द सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस शोन इन द फिगर विद द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी. इट इज टू क्लाइम द ग्राउंड सरफेस वी शुड बी. ये बोला गया क्या हो कि इसके ऊपर राइज हो जाए. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे यहां पर आएगा मुझे यहां पर चाहिए, तो यहां पर वेलोसिटी ये जो वी वन है यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो इसके ऊपर राइज हो जाएगा. नाउ वी वन का फॉर्मूला आएगा, वी वन पर कैसे फाइंड करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो माइनस एम जी एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये रोलिंग करता हुआ जा रहा है तो इसकी रहेगी 7/5 एम वी वन स्क्वायर. ये क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ 7/5 एम वी का स्क्वायर. तो मेरे पास आ गया ये 7/10 एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच इक्वल टू 7/10 एम वी वन का स्क्वायर. अब यदि ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये अपना भी राइज हो जाएगा. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 10/7 फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. ए डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ द मास विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इट्स सेंटर ऑफ मास मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर. एट एन इंस्टेंट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज द कोऑर्डिनेट एल एंड बी. इसका जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है वो एल. एल और बी दे रखा है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास बी है, ये डिस्टेंस है वो एल है, और ओमेगा इसका जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है. ठीक है, तो उसमें से पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कितना रहेगा. तो कभी भी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी सी एम आर प्लस माइनस आई सी एम ओमेगा, इनमें से आप लोगों को आंसर देने होते हैं. ठीक है, तो आप यदि यहां से देखो तो यदि मैं आई सी एम ओमेगा, जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूँ, तो यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज को देखो, यदि ऐसे रोटेट करेगा तो ये ओमेगा बाहर की ओर आएगा, तो मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ. तो इसका आई सी एम ओमेगा और इस वेलोसिटी कारण ही अंदर की ओर आ रहा है, तो यहां जाएगा माइनस एम वी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट. तो ये थे अपने वाले. नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ए फ्लाई व्हील ओरिजिनली एट द रेस्ट इज टू रीच द एंगुलर वेलोसिटी 36 इन 30 इन 6 सेकंड. तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया अपने पास 36, ये है 0, अल्फा 6, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 6. ठीक है, अब बुलाएगा कि कितना ये एंगल रोटेट किया, तो बहुत सारे तरीके हैं. तो मैं थीटा का वैल्यू यूज कर देता हूँ, ओमेगा नॉट 0 है, हाफ अल्फा टी का स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट. ए पार्टिकल ऑफ मास एम स्ट्राइक इलास्टिकली विद द डिस्क ऑफ रेडियस आर विद द वेलोसिटी वी एज शोन इन द फिगर. इफ द मास ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू द दैट ऑफ द पार्टिकल एंड द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट इज स्मूथ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज. तो देखो पहली बात तो इसके अंदर अपन को क्या क्या करना है, ध्यान रखो.
वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इज, आपको ये पूछा है, तो सरफेस स्मूथ है, इस वेलोसिटी के अपन को कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसको ड्राई कर देता हूँ, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई टू, तो अपने पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, बेसिकली थीटा इज 30 डिग्री। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया ये वी कॉस थीटा, और एक हो गया ये वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसके अपन कंपोनेंट हो गए। अब बस अपन को बताइए थे मास इक्वल होता है इलास्टिक कोलिजन और वेलोसिटी के, ये कितना हो जाएगा, √3/2V, ठीक है। तो इसमें जब अपन आपको पता है जब मास इक्वल होता है वेलोसिटी का, तो इंटरचेंज हो जाती है, तो ये पूरी पूरी इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी वो इसको मिल जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √3/2V, तो ये एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट विद द बीम बैलेंस एन अननोन मास एम इज ब्लेस्ड बाय द टू अननोन मासेज ऑफ द 60 kg एंड 4 kg एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ अननोन मास इज, आपको अननोन वैल्यू पूछा है इस मास का, तो देखो इसमें क्योंकि बैलेंस है तो टॉर्क इसके अपॉर्ड अपन क्या लेंगे, 0, तो मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ 16L1 इज इक्वल टू ML2, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मैं लिखूँ तो यहाँ जाएगा ML1 इज इक्वल टू 4L2, दोनों को डिवाइड कर दो तो 16/M इज इक्वल टू M/4। नेक्स्ट, ए मास एम इज सपोर्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग वाउंड अराउंड द यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर ऑफ मास एम एंड द रेडियस आर, इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर विद जी बाय एन एक्सेलरेशन विल द मास फॉल ऑन द रिलीज, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, बोला है कि यदि इसका एक्सेलरेशन जी बाय एन है तो एन का वैल्यू फाइंड करो। तो देखो वो सिंपल सही है, यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम ये टी, ये एम जी, तो एक तो टॉर्क अबाउट सेंटर मास इज इक्वल टू ICM α, टॉर्क अबाउट सेंटर मास कितना है, TR इज इक्वल टू MR² α, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इसकी इक्वेशन MG - T इज इक्वल टू MA, ठीक है। तीसरा इक्वेशन F इज इक्वल टू α, इक्वेशन नंबर 3, इसको सॉल्व करो आपके पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैज द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एज शोन इन द फिगर, द डिस्क कम टू द रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन ये बोला गया कि रेस्ट में आ गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोला गया कि इसके अबाउट ये किसी इंस्टेंट पर रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आया इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन कहीं बीच में ऐसा लगेगा लोएस्ट पॉइंट पर, तो टॉर्क अबाउट ए कितना रहेगा, 0, ठीक है। टॉर्क अबाउट 0 रहेगा इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल था वो का वो एंगुलर मोमेंटम फाइनल। अब अपन को पता गया है कि फाइनल तो है 0 क्योंकि रेस्ट में आ गया ना, तो ये तो फाइनल है, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी कितना है, 0। नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, ए के अबाउट, तो पहले कितना है MV₀R माइनस ICM ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको डिस्क दे रखा है तो मैं यहां लिख लेता हूं MV₀R इज इक्वल टू ICM MR² / 2 ओमेगा, ठीक है। तो आपके पास V/R₀ आ गया 1/2, दैट इज 0.05। क्वेश्चन नंबर 6, ए कारपेट ऑफ मास M मेड ऑफ N extensible material is rolled along the length in the form of the cylinder of radius r and kept on the rough floor, if the carpet is unrolled without sliding to the radius r/4, decrease in potential energy is given by, to aapko find karna hai. Dekho ye bahut important question hai, acha question bhi hai वैसे। aapko bola gaya ki koi carpet hai wo aise hai, theek hai, aur iski radius hai r, to potential energy start mein kitni hogi, होगी MgR।
अब बोला है कि ये अनरोल्ड हो रहा है, तो ये अनरोल हो रहा है और विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका मास आ गया m1 और इसकी रेडियस है r बाई फोर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई फाइनल m1 g r बाई फोर। नाउ अपन को m फाइंड करना है, सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो यदि इसका मास मैं m एज्यूम करता हूँ तो डेफिनेटली m1 कितना आएगा, m बाई 16, क्योंकि रेडियस r बाई फोर होगी तो r का स्क्वायर। तो आ गया m g r डिवाइड बाई 64। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल, तो चेंज कितना आएगा, 64 माइनस 1 डिवाइड बाई 64 एम जी आर, तो आ गया 63 डिवाइड बाई 64 एम जी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, ए थिन सर्कुलर डिस्क का मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ एनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन बट ऑफ मास m बाई 4 इज प्लेस जेंटली ऑन द फर्स्ट, देन व्हाट विल बी न्यू एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अब उसको दूसरी रख दी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी। तो सिंपल सा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, तो पहले था आई ओमेगा, उसके बाद हो जाएगा आई प्लस आई वन ओमेगा वन। नाउ पहले आई कितना था, क्या दे रखा है, थिन डिस्क, तो ये आएगा एम एम आर स्क्वायर बाई टू, और आई तो वही है आई वन, आई वन को दे क्या दे रखा है, अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब उसका रेडियस तो वो का वही है, मास चेंज हो गया है, तो वन बाई टू एम बाई फोर आर का स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे अपने पास ओमेगा आ जाएगा। तो इस 7th के साथ ही मेंस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, इसमें शायद एक बोनस है, बाकी सारे सही है। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांस सॉल्यूशन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एल शेप्ड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2m एंड लेंथ 2l इज हेल्ड एज शोन इन द फिगर विद द स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन सी एंड वॉल सो दैट ab इज वर्टिकल एंड bc इज हॉरिजॉन्टल। There is no friction between the hinge and the rod at A. ये डायग्राम आपको याद रखना, मैं नेक्स्ट पर बना रहा हूँ। 2m तो इसका मास है, LL लेंथ है, तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, सो दैट इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। इधर हिंज है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर T लगेगा, इधर mg, और इधर भी लगेगा तो mg लगेगा। ठीक है, आपको फर्स्ट पूछा है टेंशन का वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पॉइंट है ए, इसके अबाउट टॉर्क जीरो कर दूंगा, तो टॉर्क अबाउट ए जीरो करते हैं, तो टॉर्क अबाउट जीरो, एन का जीरो, एम जी का जीरो, ये आएगा एम जी एल बाई टू माइनस टी एल इजक्वल टू जीरो, तो टी का वैल्यू आ जाएगा एम जी बाई टू, आंसर नंबर 4th। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द स्ट्रिंग इज बर्न फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड वर्टिकल एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो देखो आपको इक्विलिब्रियम पोजिशन पूछा है, तो इसको सॉल्यूशन पहले तो अपन करते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। देखो जब इसको मैं कट करूंगा तो इसका शेप जो है ऐसे आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पोजिशन वहां पर रहेगा जहां पर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। इसका मतलब कि यहां तो ये नॉर्मल फोर्स है, लगेगा लगेगा, तो जो m इसका जो सेंट्रो मास है वो एग्जैक्टली इसके नीचे आना चाहिए, इस लाइन के नीचे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके तो हैं, पहले तो मैं आपको ऐसा सीधा सीधा डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ कैसे आएगा। इसका सेंट्रो मास फाइंड करते हैं, सेंट्रो मास का पोजिशन फाइंड करते हैं, तो इसका सेंट्रो मास कहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट इसको मैं जीरो एज्यूम करता हूँ, तो ये एल बाई टू, इसका कोऑर्डिनेट है एल बाई टू और y कोऑर्डिनेट l, मुझे x और y कोऑर्डिनेट चाहिए दोनों, सो दैट कि मैं एंगल इजीली फाइंड करूं, तो x कोऑर्डिनेट इसका आएगा m l by 2, इसका खुद का 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज l by 4, मतलब ये डिस्टेंस जो मेरे पास आ रही वो आ रही l by 4। नाउ y कोऑर्डिनेट, तो ml plus ml by 2 डिवाइड बाय 2m,
ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया 3L by 4, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 3L by 4, और मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो अब मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, tan alpha is equal to परपेंडिकुलर डिस्टेंस L by 4 डिवाइड by 3L by 4, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ सेकेंड, ए यूनिफॉर्म रोड ए बी हिंज अबाउट ए फिक्स पॉइंट पी इज इनिशियली वर्टिकल, ए रोड इज रिलीज फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन, देन रोड इज इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन। देखो डायग्राम आप याद कर लेना, ये एल बाई फोर है, थ्री एल बाई फोर है, सो दैट कि अपन अगले क्वेश्चन कर सकें। तो डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ, पी पॉइंट यहाँ था, एल बाई फोर। आपको बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज, कब, जब ये हॉरिजॉन्टल में आता है उस समय। अब देखो हॉरिजॉन्टल में ये वाला पॉइंट इधर भी आ सकता है और ये वाला पॉइंट इधर भी जा सकता है, तो अपन को उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जब ये आएगा तो ऐसे आ जाएगा, सपोज मैं मान लेता हूँ यहां पर आ गया ये। अब देखो सबसे पहले यहां पर आएगा तो इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, और इसका सेंटर मास यहां है तो ये आएगा अपने पास एम जी, ठीक है। इसके अंदर एक्सेलरेशन रहेगा, एक तो ये एक्सेलरेशन रहेगा ऐसा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर, और एक ये रहेगा एसीएम वाला, एसीएम। तो सबसे पहले अपन ओमेगा फाइंड करते हैं। देखो आपको ऑप्शन यदि इस साइड वाला आता तो भी राइट है, बिकॉज ये ऐसे भी गिर सकती है, ऐसा नहीं बोला कि वो ऐसे ही गिरेगी। तो ओमेगा फाइंड करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अब यहां से गिरा तो सेंटर मास कहां था, एल बाई फोर पर, वहां पर आएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एल बाई फोर इज इक्वल टू हाफ, आई ये लिख लेते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ये ओमेगा का स्क्वायर, ये कट गया, ये 2 आ गया, एम कट जाएगा, जी एल भी कट जाएगा, दैट इज जी बाई 2, एम कट गया, एल 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 16 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये यहां से कटेंगे तो इतना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8, तो मेरे पास आ गया जी डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू 1/6, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 48 ओमेगा का स्क्वायर, तो इट इज 7/24। तो ओमेगा का स्क्वायर जो आया है वो आया 24 डिवाइड बाई 7 जी बाई एल, ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आया। तो ए सी स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एल बाई 4, तो जो ओमेगा स्क्वायर एल उसको सॉल्व करेंगे आएगा 24 डिवाइड बाई 7 जी एल इंटू एल बाई 4, तो आ गया 6 डिवाइड बाई 7। तो इसमें से अपन ऑप्शन मैच कराए तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट है। ठीक है, तो अब ये आपको ये आ गया। नाउ अपन को फाइंड करना है एक एसीएम, एसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो एसीएम के लिए मैं वापस यहां पर लिख लेता हूं, बिकॉज एसीएम क्या रहेगा, एसीएम रहेगा अल्फा एल बाई 4, एसीएम अल्फा एल बाई 4, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है एल बाई 4। नाउ अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, वही टॉर्क अबाउट P इज इक्वल टू आई पी अल्फा, टॉर्क अबाउट P वो कितना है एम जी एल बाई 4, ये वो का वही लिखना जो वहां पर मैंने लिखा है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16 ओमेगा स्क्वायर। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा, बिकॉज वैसे भी फर्स्ट ऑप्शन 6g/7 वाला एक जगह मिल रहा है और कोई मिल नहीं रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है रिएक्शन एट पी। देखो रिएक्शन एट पी के लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर वापस, वो आपको लास्ट का डेटा याद रखना है, मैं जस्ट इसमें आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। आपको यहाँ पर पूछा है तो मैं लेट ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये है एन एक्स और ये है एन वाई। ध्यान रखना यदि देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, यदि वो ऐसे गिरा हो गया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी, उसके लिए अपन कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा वही आएगा जो अभी किया था एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 4, तो वो जो 6 वाला ऑप्शन था वो वाला, जैसे ये वाला ऑप्शन,
और एनएक्स कैसे फाइंड करोगे, एक्स फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करो, टॉर्क अबाउट सेंटर मास लिख लो, टॉर्क अबाउट सेंटर मास, अल्फा ऑलरेडी आपके आई रखा है। यहाँ एक और आपको इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन फाइंड कर रखा है एसीएम, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ एम जी माइनस एन एक्स इज इक्वल टू एम ए सी एम। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटर्नल टॉर्क टी एक्ट फॉर द वेरी ब्रीफ रेट डेल्टा टी ऑन द रोटेशनल सिस्टम हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। आपको बोला गया है कि इसमें टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो मैं पहले लिख लेता हूं टॉर्क इक्वल होता है डी एल बाई डी टी, तो डी एल इक्वल टू टो इंटू डी टी। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला एक और होता है, दैट इज आई अल्फा। अब इसमें जो पूछा है अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल चेंज बाय डेल्टा टी, ये देखो आ गया चेंज, तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल चेंज, तो ये क्या होता है आई डेल्टा ओमेगा टी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा ओमेगा अपने पास आ गया टू डी टी डिवाइड बाई आई, तो ये भी राइट है। द सिस्टम वॉज इनिशियली एड्रेस्ड इट विल एक्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, तो ये तो बहुत ईजी है, तो ओमेगा फाइनली हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको चेक करोगे तो ये थर्ड ऑप्शन भी राइट मिलेगा, ओके। तो वन फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट ए फिक्स वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड द पार्टिकल इज अटैच्ड टू द सिलेंडर ऑफ द हॉरिजॉन्टल थ्रेड ए बी एज शोन इन द फिगर। द पार्टिकल इनिशियली रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नोट इज इंपार्टेड टू द पार्टिकल नॉर्मल टू द थ्रेड ड्यूरिंग द मोशन, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन ये बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे दिए, तो बोला कि कौन कौन से के अबाउट ये कुछ चीजें कांस्टेंट रहेगी, जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ रिमेन कांस्टेंट, ये नहीं रहेगा। आपको क्या है इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो अपन को जो करेक्ट है इसका मतलब सॉरी फॉल्स सेलेक्ट करने हैं, तो अपन क्या करते हैं इसमें से करेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका ऑपोजिट आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका एंगुलर मोमेंटम तो कभी कंजर्व नहीं रहेगा, वो क्या अबाउट उसका रीजन है, जैसे ये आप वेलोसिटी दिए यहाँ पर क्या टी लगने लग गया, तो टी है इसका मतलब टॉर्क आ गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, बी भी नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ी देर बाद ये ऐसे आ जाएगा, तो ये टेंशन यहां से जाएगी, तो उसके अबाउट भी कंजर्व नहीं रहेगा। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन कॉन्स्टेंट, वो तो पॉसिबल नहीं मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इसलिए नहीं रहेगा कि इसके डायरेक्शन चेंज हो रही है, थोड़ी देर बाद ऐसे आ जाएगी वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, यस काइनेटिक एनर्जी इसकी कॉन्स्टेंट रहेगी। रीजन क्या है, ये जो टेंशन फोर्स है वो इस वेलोसिटी के हमेशा क्या लग रहा है परपेंडिकुलर, तो टेंशन कोई वर्क डन नहीं करेगा, तो इसी स्पीड से सेम से घूमता रहेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसकी रहेगी। तो पहला सही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 राइट है। नेक्स्ट, इसको तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए मैन स्पिनिंग इन फ्री स्पेस चेंजेस द शेप ऑफ हिज बॉडी बाय स्प्रेडिंग हिज आर्म्स और कर्लिंग अप, बाय डूइंग दिस ही कैन चेंज इट्स। बोला है कि एक पर्सन है स्पेस के अंदर है, मतलब कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो अपना चेंज करता है शेप, मतलब कभी हाथ ऐसे करता है कभी हाथ ऐसे कर रहा है, इसका मतलब जैसे हाथ को वो आगे ऐसे मूव करेगा तो इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, यदि ऐसे करता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। सो इन ओवरऑल प्रोसेस इसका सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बाकी कोई कुछ भी कंजर्व नहीं रहेगा। तो कैन चेंज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बाकी सारे इसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड को छोड़कर इसका सारा का सारा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज एट इट्स वन एंड। आपको बोला गया है कि एक जो है ये एक एंड पर इसको हिंज करके रखा गया है। इट कैन रोटेट अबाउट इट्स एंड व्हेन एट रेस्ट इट रिसीव इंपल्स जे इट्स अदर एंड। ये आपको इंपल्स दिया जे अदर एंड। इसके देखो मोमेंटम का पहला फॉर्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू
इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, या इसको अपन चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो पहले मोमेंटम जीरो था तो मैं स्पी के इक्वल भी हो गया ये वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पूछा है आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड इज। अब देखो डेफिनेटली यहां से फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा कि टॉर्क डी टी का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, यहाँ दैट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। नाउ एफ इंटू डी टी का करेंगे तो एफ क्या आएगा, एफ एल डी टी का इंटीग्रेशन दैट इज आई ओमेगा दैट इज एल। नाउ एफ इंटू डी टी का जो प्रोडक्ट है वो तो है जे, तो आ गया जे एल इज इक्वल टू एल। तो इसका आपका मतलब पहला राइट है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, अब देखो एल आ गया तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा, तो करेंगे तो ये भी राइट आ गया। अब जैसे ओमेगा आ गया काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी सी एम आ जाएगा ओमेगा एल बाई टू। तो सॉल्व करोगे तो चारों के चारों ऑप्शन राइट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर आइडेंटिकल रॉड इच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल आर जॉइंट फॉर्म ए रिजिड स्क्वायर फ्रेम, द फ्रेम लाइज इन द एक्स वाई प्लेन व्हेन इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड द साइड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एम। देखो इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग क्या अबाउट पूछा है तो मैं बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। आपको पूछा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो सबसे पहले इसके अबाउट तो आई एक्स, देखो इन दोनों के तो ये है परपेंडिकुलर, तो टू टाइम ऑफ एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस टू टाइम ऑफ एम एल बाई टू का स्क्वायर, ये करेंगे तो फर्स्ट राइट आ जाएगा। अबाउट जेड एक्सिस आपको इसके अबाउट पूछा जाए तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ फोर टाइम ऑफ एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस, देखो इसके अबाउट कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल बाई टू का स्क्वायर करोगे, ये भी राइट आ जाएगा। थर्ड एन एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू कॉर्नर इज, आपको इसके अबाउट पूछा है तो यदि आपने ये आई जेड फाइंड कर रखा है तो मैं सीधा सीधा इसका यूज करूंगा, इसके अबाउट आई जेड प्लस फोर एम, फोर एम ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है एल बाई रूट टू का स्क्वायर, ये करोगे तो ये भी सही है। एंड वन साइड इज आपको इसके अबाउट, अब इसके अंदर थोड़ा सा ये करेक्शन है, यहाँ वन बाई थ्री आएगा, थ्री आता तो ये राइट हो जाता। तो बेसिकली इसके अंदर आंसर सिर्फ थर्ड ही वन टू और थ्री है, फोर्थ आंसर नहीं है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ टू फोर्स एफ वन एंड एफ टू आर एक्टिंग ऑन द रॉड ए बी सी एज शोन इन द फिगर। तो ये बोला है कि अपन को देखना है किसके अबाउट, आपको बोला है कि एफ वन और एफ टू यदि बराबर है आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं चार, एफ वन और एफ टू का वैल्यू आपको बराबर दे रखा है, ये एफ वन और ये भी दोनों एफ है। तो देन टॉक अबाउट ए अबाउट बी अबाउट सी, एक ध्यान रखना जब फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होता है उसको अपन कपल बोलते हैं, और जब कपल फोर्स लगता है तो टॉर्क हमेशा किसी भी पॉइंट के अबाउट राइट होता है, तो अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही अपने आप सही हो गया, तो ये अपना भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपको बोला है कि एफ वन और एफ टू बराबर नहीं है तो टॉर्क क्या रहेगा, तो फिर वही बात है जब बराबर होते हैं तो टॉर्क बराबर रहेगा, यदि टॉर्क अलग फोर्स अलग कर देंगे जैसे मैं इसको एफ वन कर देता हूँ इसको एफ टू कर देता हूँ तो हर एक के अबाउट अलग आएगा, जैसे मैं सीधी सी बात इसके अबाउट लिखता हूँ तो टॉर्क अबाउट सी कितना आ जाएगा F1 into L, जबकि टॉर्क अबाउट यदि मैं A लिखूंगा तो कितना आएगा F2 L, तो ये टॉर्क अलग अलग आ जाएंगे, तो इसका आंसर जो फर्स्ट और थर्ड है। नेक्स्ट सेवेंथ, फोर पार्टिकल ऑफ मास M इज आर प्लेस एट द फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी शेड, ये आपको दे रखा है ऐसे, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इसका आपको सेंटर दे रखा है,
moment of inertia of fall particle about the axis passing through, ये आपको ए बी सी और ए डी दे रखा है. आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है. अपन किसके अबाउट पूछा है, ए बी के अबाउट. अब ए बी के अबाउट जैसे ये, तो किसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा और इसके कारण आएगा, तो एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर. ठीक है, तो ये भी इसका राइट हो गया. ए एन सी आपको इसके अबाउट पूछा है, इसके अबाउट. अब इसके अबाउट पूछो करो क्या रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस आती है वो आती है एल बाई रूट टू. तो एम एल स्क्वायर बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर बाई टू, तो ये आ गया, ये भी राइट है. ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन स्क्वायर. अब आपको इसके अबाउट पूछा है तो क्या कर लूंगा, वही फोर एम एल बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ये भी राइट. ओ एंड पैरेलल टू सी डी, इसके अबाउट, तो जो पहले बार आया था वो गई, तो ये क्या हो गया एम ए स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट. पार्टिकल मूव इन द सर्कल ऑफ द रेडियस आर विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट सम इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज वी एंड रेडियस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट सेंटीपेटल एक्सेलरेशन ए सी ऑफ द पार्टिकल वुड बी. आपको इसमें ए सी का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो इसमें अपन को फॉर्मूला पता है, एक तो ये है, अरे गया. इसमें एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है. ठीक, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो कह रहे. नेक्स्ट, नाइन्थ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन स्क्वायर प्लेट एबीसीडी ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर प्लेन इज. देखो इसमें एक ध्यान रखना, इसमें ये आपको नहीं पूछा गया है कि कौन सी पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम राइट है. इन्होंने ये पूछा कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूछा है वो कौन कौन सा राइट है. किसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आपको ये पता है कि यदि सब यूनिफॉर्म होगा तो आई वन इज इक्वल टू आई फोर इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, क्योंकि पूरा यूनिफॉर्म है तो सब बराबर रहेगा. अब मुझे यदि आई ओ फाइंड करना हो तो आई ओ फाइंड करना पड़ रहा है, तो बेसिकली क्या रहेगा, आई वन प्लस आई टू, आई थ्री इज इक्वल टू आई फोर प्लस आई फोर. ये देखना, ये है एज पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सा राइट है, मैंने बोला कि कौन सा इक्वेशन राइट है. तो आप इसको भी रिप्लेस यहां पर कर सकते हो, तो ऐसा देखने पर ये सारे के सारे ऑप्शन अपना आप ही राइट हो रहे हैं. नेक्स्ट, एंड ऑफ बी ऑफ रॉड ए बी विच इज मैक्स एंगल थीटा विद द फ्लोर इज बीइंग पुल्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी नॉट एज शोन द लेंथ ऑफ रॉड इज एल इंस्टेंट 37. आपको बोला है कि जब 37 हो तो कौन सा राइट होगा. देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ये भी है. तो आपको एक चीज पता होगी, अलोंग द ये आपको रहेगा 37, ये रहेगा 53. तो मैं इसमें ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है, डेफिनेटली ए की वेलोसिटी नीचे की ओर आएगी, लेट इट इज वी ए. लेकिन अलोंग द रोड दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, इक्वल. तो वी ए cos 53 is equal to VB cos 37. ये करोगे तो आपके पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी. एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के बहुत सारे तरीके, मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ. इसमें क्या होता है, ये जब ये ऐसे मूव करता है तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये होता है IAR, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यदि आपको ओमेगा पूछा है तो अपन सीधा सीधा फाइंड कर सकते हैं. इसकी वेलोसिटी आपको वी नॉट दे रखी है, ये लेंथ आपके पास है, ये लेंथ है एल साइन 37. तो वी नॉट इज इक्वल टू आएगा ओमेगा आर, आर कौन सी है, ये वाली लेंथ. ये पुट करोगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आ जाएंगी. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेटली वेरी होती रहेगी जैसे जैसे एंगल है. तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकेंड दो ही राइट है. नाउ नेक्स्ट, इंटीजर. ए पुली सिस्टम शोन इफ द रेडियस ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर टू एंड वन रेस्पेक्टली एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. आपको जो इसका एक्सेलरेशन है वो गिवन है, इसका एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसमें बहुत सिंपल सा ही है, ये अल्फा से ऐसे रोटेट हो रहा होगा। तो देखो यदि एक्सेलरेशन ऑफ ए है अपने पास अल्फा इंटू टू, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो आएगा अल्फा इंटू वन, दोनों को डिवाइड करो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फोर सॉलिड स्पेयर इच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मास इज प्लेस्ड विद द देयर सेंटर ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर साइड सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द डायगोनल। देखो अभी इसे थोड़ी जस्ट पहले जो क्वेश्चन आया था ना वो तो था बेसिकली पॉइंट मास के लिए, अब इन्होंने यहाँ पर दे दिया कि सॉलिड स्पेयर है, तो ये सिर्फ इसलिए क्वेश्चन दिया है आपको कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पॉइंट मास और सॉलिड स्पेयर के अंदर। ठीक है, तो वैसे है बहुत ईजी, बट जस्ट अपन को चेंज करना था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये अब आपको सॉलिड दिए हैं। तो मोमेंट अब डायगोनल इसके अबाउट पूछा है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तो है आएगा इसके और इसके कारण, तो वो आएगा 2/5 एम आर का स्क्वायर प्लस दो का, ध्यान से देखना इन दोनों का, तो इसका इसके अबाउट होता है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम, ये वाले डिस्टेंस, अब ये वाले डिस्टेंस अपन बार बार कर चुके हैं, यदि अपने पास ये ए हो तो ये होता है ए बटा रूट टू, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है, बस इसका ध्यान ये रखना था 2/5 वाला। ठीक है, नेक्स्ट, ए टेंजेंशियल फोर्स एफ एक्ट ऑन द टॉप ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेल इट रोल्ड विदाउट स्लिपिंग। देखो इसको क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ, जब रोल करे तो आप इसके अबाउट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू कर दो आई ए अल्फा, क्योंकि प्योर रोलिंग के अंदर ए होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये आ गया एफ टू आर, थिन सेल है तो सेंटर मास का अबाउट कितना होता है 2/ स्फेरिकल सेल है ना 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर, तो 5/3 एम आर स्क्वायर अल्फा। नाउ ए सी एम क्या आएगा, ए सी एम विल बी अल्फा आर। ठीक है, वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए सिलेंडर ऑफ मास एम लेंथ एल एंड रेडियस आर हैज टू कॉर्ड वाउंड अराउंड इट्स वॉज एंड आर अटैच्ड टू द सेलिंग एज शोन इन द फिगर, द रॉड इज हेल्ड वर्टिकली विद द टू कॉर्ड वर्टिकली, व्हेन द रॉड इज रिलीज द कॉर्ड अनवेंड एंड रोटेट, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इज pg/3। देखो जब भी लीनियर एक्सेलरेशन की बात आती है इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, देन फाइंड p। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा है, मैं इसका 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ, वो 2D में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इधर आएगा 2t, यदि मैं t एज्यूम करता हूँ t 2t, ये आएगा अपने पास mg, ये अपने पास पॉइंट a है। देखो बहुत सिंपल सा ही है, यहाँ a जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई ए अल्फा, टॉर्क ये कितना है एम जी आर, टॉर्क अबाउट ए एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा, इस टी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है मैं यदि इसके अबाउट लिखता हूं तो, और एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन इज अल्फा आर। ठीक है, तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज सपोर्टेड बाय मास ऑफ टू लेंथ इज एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द रॉड स्ट्रिंग इज कट। यदि आपको बोला गया है कि इसको जस्ट यदि मैं कट करता हूँ, इसको यदि कट करता हूँ तो सीधी सी बात है इधर आएगा टी, इसका बॉडी प्योर रोलिंग करेगा, सॉरी प्योर रोटेशन करेगा, इधर आएगा एम जी, इसको हटा दो। अब इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई ए अल्फा, टॉर्क अबाउट ए कितना है एम जी एल बाई टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री अल्फा, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा अपन लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट सेंट्रो मास, तो सेंट्रो मास के अबाउट लिखूंगा आएगा टी एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 अल्फा, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा एम जी बाई 4। ठीक है, बाकी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज फर्स्ट रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड देन केयरफुली प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड रिंग इज म्यू,
टाइम आफ्टर विच द एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ इज, आपको ये बोला गया है, देखो ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। सपोज अपन मान लेते हैं कि ओमेगा नॉट से ऐसे रोटेट कर रही है, देन ये है क्या रिंग, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड रिंग इज म्यू, द टाइम आफ्टर विच द एंगुलर वेलोसिटी इज रिड्यूस टू, आपको गिवन है एंड का वैल्यू फाइंड करना। देखो सिंपल सी, मैं इसको जैसे पुट करूंगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, यहां पर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अच्छा फ्रिक्शन कौन सा रहेगा काइनेटिक, तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं म्यू एम जी, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आई सी एम अल्फा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कौन लगा रहा है म्यू एम जी आर, आई सी एम कितना है एम आर स्क्वायर अल्फा, तो मेरे पास यहां पर अल्फा का वैल्यू आ गया म्यू जी डिवाइड बाई आर। अब बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी हाफ हो जाती है, कितनी रिड्यूस टू हाफ, तो सीधा सीधा इक्वेशन लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हो गया अपने पास ओमेगा नॉट बाई टू, दैट इज ओमेगा नॉट माइनस अल्फा आ रहा है अपने पास म्यू जी डिवाइड बाई आर इंटू टी। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म, अरे ये डिस्कशन क्लोज होता है। थैंक यू जे सी एल सी।